जिला फिरोजपुर अंदर बलात्कार दी घटनावां नूं रोक नहीं लग रही। बीते दिन एक नशेड़ी बावल अपने 3 साल की बच्ची नाल बलात्कार करन दी दिल दहलाउण वाली घटना सामने आई सी। अजे वह मामला ठंडा नहीं होया कि एक और फिरोजपुर च रहने वाली नाबालग 17 साल की प्रवासी लड़की नाल बलात्कार होने का मामला सामने आया। हुण देखना यही होगा कि इन घटनावां नूं रोकण लई पुलिस अते पंजाब सरकार गंभीर है जां नहीं, तां इह भविख दसेगा। 17 साल। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। कहाँ रहते हो अब? हाके वाले। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? क्या, कौन आया था आपको? लड़के आए थे बुलेट पे। कितने लड़के थे? 5 थे। अच्छा, कहाँ थे? 3 बाहर खड़े थे, 2 अंदर आए थे। क्या किया उसने आके बाहर? बैल बजाया था। हाँ जी। फिर मैंने बुआ खोला, फिर उसके बाद वो अंदर आ गए। मैं चिक्का मार रही थी, उसने मेरे मुँह पे कपड़ा बांध दिया। फिर उसके बाद वो अंदर घुस के पेटी निकाल लिया, पेटी से फिर पैसे, बालियां, चैन निकाल के फिर मुझे भी साथ लेके गए। आप कहाँ ले गए थे? अपने घर के पास फिल्टर है, वहीं पे लेके गए थे। अच्छा, वहाँ क्या किया? रेप किया मेरा। क्या जबरदस्ती किया आपने? हाँ जी। कितने आदमी थे? 5। अच्छा, क्या मांग कर रहे हो आपसे? जिन साफ चाहिए। क्या क्या नाम है उसके? उसके नाम युवराज, करण, मिट्टी, आकाश, राजन। और क्या आपको फोटो फोटो भी है आपके पास कोई उनकी? नहीं, उनकी नहीं है, एक ही लड़के की है। क्या मांग क्या आपकी? इंसाफ चाहिए मुझे। कैसे लड़के गया बच्ची आपको? ओ, गाड़ी पर आया, 5 मुंडे था मेरे, कुड़ी बाथरूम से निकला था करने के लिए, तो वो ना हॉर्न बजाया गाड़ी ने बुलेट वाले, तो ये ना खोल दिया गेट, तो खोल दिया तो इसको पकड़ लिया, ये चिल्लाने लगा, तो खोल दिया तो इसको मुंह पे कपड़े बांध दिया। तो वो पूछा उसको कि मम्मी कहाँ पैसे रखा ना, ये ने डर से बता दिया मेरे ने बच्चे। तो वो ना पैसे ले गया, 40,000 रुपये था, और कान वाले था और चैन था 2 तोले का। वो भी ले गए साथ? वो भी साथ ले गया। तो कहाँ रखा आपकी? अच्छे वाले में, हक्के वाले में। कितने आदमी थे वो? 5 था। क्या करते रहते? वो रेव किया। अब क्या मांग करते हो? क्या मांग करेंगे? मैं इतने जानता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ में इंसाफ चाहिए, प्रशासन के मैं प्रणाम करता हूँ, सारे मिल के मेरे बच्चे के इंसाफ दिला दो सबको, यह बस, और मेरे कुछ नहीं चाहिए। 17 साल का सर बच्ची है? 17 साल का। क्या हुआ? रेप हुआ सर इसका। कैसे किया? कौन से उठा के लेके? क्या हुआ? उठा के ले गया सर, जाया था पहले बुलेट से, आया था आवाजा उठाया के, गेट खोला था, उसके बाद मैंने बच्ची ने बाथरूम आ रहे थे तो देखा कौन बजा रहा बेल, तो इसने गेट खोल दिया, मस्जिद अंदर बढ़ गया, उसके बाद इसको धक्का लगाया, उसके बाद इसने डरा गया, चिल्लाने लगा, जिसको मुंह पे कपड़ा बांध दिया, उसके बाद बोला इससे कि मम्मी पैसा कहाँ रखा, मम्मी पापा बताओ, तो अंदर पेटी में गेट खुले था, आगे चला गया सीधा, उठा कर लेकर बाहर में कब्जे उखाड़ के, पैसा 40,000 था। इसने 14 तारीख को छठ पूजा के लिए बिहार जाना था, ठीक है ना, तो इसने फिर बोले इसको पता था कि पैसा है, मम्मी लाया, पापा लाया है कमा के, चलो कोई बात नहीं, छठ पूजा हम चले जाएंगे वहाँ। उसके बाद में रात में ऐसे कांड हो गया। क्या काम करते हैं? हमने टाइल पत्थर लगाते हैं सर। ओके जी। अब क्या मांग करते हैं? कोई इंसाफ मिला बच्ची को? अभी कुछ नहीं हुआ सर, अभी कोई कुछ नहीं हुआ, इंसाफ हमको चाहिए, पूरा इंसाफ हो गया। 6 तारीख से हो ही रहा ये कार, कभी इधर गया लगाता है, कभी इधर हॉस्पिटल में भर्ती है बच्चे हमारी। बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा? कोई इंसाफ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ अभी। अब क्या पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या मांग? हम मिनती है कि हमारा बस इंसाफ दिलवा दे, बस पूरा इंसाफ चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए हमको। एक 7 तारीख को MLR आई थी 202 नंबर नवालक लड़की की। MLR आने पर SI अमनदीप को भेज के उन्होंने बयान कलमबंद कराया गया, उस दे विच जगराज सिंह जाजी वालों उन्होंने धक्के रेप किया गया, जिस पर मुकदमा नंबर 228 दर्ज रजिस्टर करके कार्रवाई अमल में लिया जा रही है। नहीं, एक जने ने किया, दौरान तफ्तीश आए नहीं, कार्रवाई चल रही है, भजया है दोषी, जल्दी तो जल्दी फड़ के गिरफ्तार करके पेश अदालत में भेजा। फिरोजपुर तो अमनदीप शर्मा की रिपोर्ट, लाइव भारत। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं हाँ JP सिंह कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी तो। COVID-19 की महामारी तो बाद UK USA कैनेडा आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के निजमां विच आया है वड्डा बदलाव।
जेकर तुसीं भी इन्हां कंट्रियां दे विच स्टडी वीज़ा अप्लाई करन बारे सोच रहे हो तां कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी दी एक्सपर्ट टीम तो सलाह लैणा ना भुलना, क्योंकि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी कोल है पिछले 13 साल का वड्डा तजर्बा, जिन्हां दी मदद दे नाल हज़ारां ही पंजाब दे नौजवान विदेश दे विच अपना चंगा भविख बना चुके ने। जेकर तुसीं भी विदेश पढ़ाई वीज़े ते जाना चाहुंदे हो तां स्क्रीन ते डिस्प्ले हो रहे नंबर ते कॉल करके तुसीं मैनूं अमृतसर ते जलंधर ऑफिस दे विच मिल सकदे हो और असीं करांगे तुहाडा विदेश दे विच पढ़ाई करन दे सुपने नूं साकार। धन्नवाद।